हमने ये यूनिक हेल्दी और टेस्टी बनाकर रेसिपी तैयार करी। इसको आप व्रत में, बिना व्रत के, टी टाइम स्नैक्स में, कभी आपका कुछ अलग सा चटपटा सा खाने का मन हो, कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना। चलते हैं किचन में। टेस्टी और इजी रेसिपी, इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमने ये एक कटोरी मूंगफली का दाना लिया है। इसको हम थोड़ा सा हमने देसी घी डाला है। हम फ्रेंड देसी घी में इसलिए बना रहे हैं कि कभी कोई का व्रत होता है, कभी भी हम बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। वैसे आप बिना व्रत के भी बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हम रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली बहुत जल्दी भून जाती है, भूनने में कोई दिक्कत नहीं होती। तब तक हमने ये थोड़े से आलू, उबले आलू को छील कर तैयार कर लिए। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कट करके डाल रहे हैं। कट करके देने से थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। मूंगफली हमारी भुन गई थी, हमने इसको प्लेट में के लिए इन हरे मिर्चों को हम चॉप करके नहीं डाल रहे हैं, हम इसको इसके अंदर भून लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर खूब सारा जीरा डालेंगे, क्योंकि व्रत वाली आलू की सब्जी में इस तरीके की सब्जी बनाओ तो उसमें जीरा टेस्टी लगता है, इसलिए हम थोड़ा जीरा ज्यादा डाल रहे हैं। एक चम्मच हम कूटू का आटा डालेंगे, इसको भी खूब अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों आप इसको एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने में आपको बहुत पसंद आने वाली। एक चम्मच हमने कूटू का आटा डाला है और ये हमने दो चम्मच पीसी हुई मूंगफली डाली है, इसको भी भून लेंगे। तो आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग चैनल पर आते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो एक बार तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपीज कैसी लगती हैं। ये देखिए बातों बातों में हमारा आटा भी भुन गया है, इसमें से खूब अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब जो आलू हमने उबाल कर रखे थे उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिए। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे। जो मूंगफली के दाने हमने भून के रखे हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और मिर्ची भी ऐड कर देंगे। तो है ना, देखिए दोस्तों इसको बनाना कितना आसान। फ्रेंड्स इसको आप एक बार बनाकर खाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अब हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर देंगे, इससे हमारा जो हम आलू की सब्जी बना रहे हैं ना उसका टेस्ट बड़ा यूनिक आता है। हमारे पास आप सोचेंगे बोतल से नींबू का रस डालने, हाँ फ्रेंड्स हमारे यहाँ नींबू थोड़े ज्यादा आ गए थे तो हमने उसको बोतल में निचोड़ कर छान कर पैक कर लिया था ताकि हमारे नींबू खराब ना हो, इसलिए बोतल से हमने डाल। ये देखिए हमारी सब्जी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों आप इसको एक बार तो बनाने का बनता है। सारी चीजों को डालने के बाद हमने इसको एक मिनट तक स्टेयर कर लिया, तो फाइनली हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आपको प्लेट में ट्रांसफर करके भी दिखाते हैं। ये दोस्तों हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई, प्लेट में ट्रांसफर कर लिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए देखने में हम आपको पास से दिखाते कि हमारी सब्जी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। आप इसको बिना व्रत के भी खा सकते हैं, खाने में बेहद टेस्टी लगती है। चाय के साथ या छोटी मोटी भूख में फटाफट चटपटा खाने का मन हो आप 2 मिनट में बनाकर इसको तैयार कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।